अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो। तो मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है इंडियन ब्राइडल बेस का। तो ये जो इंडियन ब्राइडल बेस है, लास्ट कुछ डेज में फेसबुक पे इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी एंड बहुत सी जो है वीडियोज़ वगैरह बनी हुई थी। तो उन वीडियोज़ को देखने के बाद मेरा बहुत दिल था कि मैं इसको जल्दी से ख़रीद लूँ। बट ये जो है मेरे ख़रीदने से पहले ही मुझे एक इंस्टाग्राम पेज है मेकअप एंड अरीना, उन्होंने जो है मुझे ये एज़ अ PR पैकेज भेज दिया। ये वाली जो बेस है इसमें जो उन्होंने मुझे शेड भेजा है वो है F1। तो वो काफ़ी हद तक मेरी जो है स्किन टोन से मैच किया है। तो इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले आप ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं घर बैठे हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हो, किस तरह से आप यूजफुल DIYs बना सकते हो और बहुत सारी प्रोडक्ट का रिव्यू वो भी ऑनलाइन आप अपने घर पर सीख सकते हो। तो मेरे चैनल का नाम है स्टाइल इन, आप काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है जो लोग बाहर जाकर सीख नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो काइंडली अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको यूजफुल लगेंगी इंशाल्लाह। तो टेक केयर, मिलते हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टाइल इन। अल्लाह हाफिज। तो सबसे पहले जो है हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही एक स्मॉल सी डब्बी है उसमें ये आती है, बट इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा लगी है। तो ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है एंड उसके अलावा इसमें जो भी लिखा हुआ है ना वो हिंदी में लिखा हुआ है और इसमें जो शेड है वो है F1। तो मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर से किस टाइप की है। तो ये अंदर से इस तरह से दिखती है, जिस तरह क्रेलोन का जो एक्वा लाइनर है उसकी जिस तरह से डब्बी है वैसे की वैसे ये दिखती है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल नज़र आता है, बट थोड़ी देर के बाद जब हम इसको यूज़ करते हैं वो ऑयल बिल्कुल डिसपेयर हो जाता है एंड ये मैट हो जाती है। सो ऑयली स्किन की जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये जो है आई थिंक बेस्ट रहने वाली है। मैंने इसको यूज़ किया एंड मुझे यही लगा है कि ये जो बेस है ये ऑयली स्किन वाली गर्ल्स के लिए बेस्ट है एंड गर्मियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बेस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी सॉफ्ट मुझे लगी है, ये देखें। इसको जो है मैं फुल अपने फेस पे यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया है एंड यूज़ करने के दौरान मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप जो है वो शेयर कर देती हूँ कि हमें किस तरह पता कर सकते हैं कि फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। जब हम ख़रीदने जाते हैं तब हम ईजिली पता कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि इसको फाउंडेशन को थोड़ी सी अमाउंट में इस तरह अपनी फिंगर पे ले लें, उसको अपने हैंड पे अप्लाई कर लें या नेक पे या किसी भी फेस वगैरह पे जो है अप्लाई करके आप देख लें। तो जब हम इस तरह अप्लाई करेंगे ना तो उसे हम थोड़ी देर लगे रहने देंगे। आप लोग जो है आपने और जो काम करना है, शॉपिंग वगैरह करनी है, उसको करने के बाद आप इसको 10-15 मिनट बाद जब देखेंगे एंड फिर आप लोगों ने एक और अमाउंट में जो है स्वैच लेना है एंड उसके साथ जो है एक और स्वैच कर देना है। अगर उन दोनों के कलर में डिफरेंस आएगा तो मीन्स वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इन दोनों के कलर में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आया है तो ये थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है। तो इसका हल यही है कि आप अपनी स्किन से एक या दो टोन जो है लाइटर शेड ले लें तो वो आपकी स्किन को परफेक्टली मैच करेगी। तो जो ड्राई स्किन वाली गर्ल्स हैं उनको तो मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, अगर आप लोग इसको समर टाइम में लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, विंटर्स में इसको बिल्कुल अप्लाई ना करें। ड्राई स्किन वाली जो है अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपनी स्किन को पहले अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लें एंड अच्छी अमाउंट में जो है मॉइस्चराइज करके एंड देन जो है इस फाउंडेशन को आप अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही इसको अप्लाई कर देंगे तो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पैचेस वगैरह हो जाएंगे और ये जो लाइंस वगैरह होती हैं, रिंकल्स वगैरह होती हैं, उनमें ये जो है सेटल डाउन हो जाएगा और वो बहुत बुरा लगता है। उस तरह का जो फाउंडेशन लगा हुआ होता है वो स्किन पे बहुत ही ज़्यादा केकी सा गंदा लगता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करें। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए ये लिया है हेयर ऑयल बाय एले। इनका जो है फेस सीरम भी है ये वाला, तो इन्होंने मुझे ये सीरम अपना भेजा है जिसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी है। मोस्टली जो सीरम्स वगैरह होते हैं 24K जो होते हैं सीरम्स, उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती एंड इस वाले की जो है इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है एंड इसने जो है इतना ज़्यादा मुझे ऑयली भी नहीं किया।
वैसे विंटर्स है इसलिए मुझे जो है ये परफेक्टली मैच कर रहा है अभी तक तो। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड देन जो है मैंने उसके बाद अपने फेस को प्राइम किया है, तो प्राइमर के लिए जो है मैंने लिया वो है ब्यूटी फाइव बाय आमना का पोर फिट प्राइमर। इसको मैंने थोड़ी सी अमाउंट में लिया है एंड अपने उन एरियाज पे अप्लाई किया है जहाँ पे मेरे पोर्स थोड़े ज़्यादा हैं एंड बड़े हैं। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको स्पंज की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई किया है, वेट स्पंज की हेल्प से मैंने इसको अप्लाई किया, तो काफ़ी अच्छी जो है इसकी पिगमेंटेशन मुझे लगी है एंड इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। तो इसको मैंने जो बिल्ड किया है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली बिल्ड किया, मीन्स मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेस को नहीं उठा लिया एंड फेस पे नहीं लगा लिया, बिकॉज फिर उसकी ब्लेंडिंग जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती, ये तो बहुत जल्दी जो है मैट हो जाती है, इसलिए मुझे फील हो रहा था कि ये इसकी ब्लेंडिंग थोड़ी मुश्किल होगी। तो फेस पे आते ही ये फ़ौरन मैट हो जाती है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है। तो मैंने पहले अपने एक फेस की एक साइड पे अप्लाई किया एंड दूसरी साइड पे जब मैं अप्लाई करने लगी तो मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ है कि ये वाकई ऑक्सीडाइज होती है। एंड देन उसके बाद मैंने जो है इसकी सेकंड लेयर भी अप्लाई की है। इसको जो है अप्लाई किए हुए मेरे फेस पे ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है, बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे एक घंटा हो गया इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ इसको। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मेरी स्किन पे कुछ हैवी सा लगा हुआ है, बिल्कुल ये लाइट सी हुई है बड़ी एंड इसकी कवरेज जो है वो फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड उसके अलावा जो है बिल्कुल पैची भी नहीं हुई, ना ही मेरे फेस पे ये फटी फटी सी लग रही है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गई है। और तो मुझे जो है इस बेस के रिजल्ट बहुत पसंद आए हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेकअप एंड अरीना पेज से ख़रीद सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है वो, तो अगर आप वहाँ पे मेरा कोड यूज़ करेंगे रिमशा MUA तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे इसकी जो प्राइस है वो है वहाँ पे 400, डिफरेंट पेजेस वगैरह और बाज़ार वगैरह में जो है इसकी प्राइस डिफरेंट है, तो आप वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि ओरिजिनल है या नहीं, बिकॉज इस बेस के बहुत ज़्यादा ड्यूप्स और फेक बेस जो है बहुत आई हुई है हर जगह पे। तो मेकअप एंड अरीना जो पेज है वहाँ पे 100% ओरिजिनल है, वहाँ से अगर आप लोग खरीद लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके इसको चेक कर लें। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है एंड कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।